सुप्रभात बच्चन पिला माने हमर पाठ आठ पढबा देखि बिना सकाले विपरीत बोल जब तुम सतर शेष समाज में आसीबो तुमको तुम्हारा विपरीत बुद्धिटा आसीबो हला इति बिना सकाले विपरीत बुद्धि पुरानी जमानी की बात है जे प्राचीन समय रो कथा एटा वाराणसी शहर में एक प्रख्यात गुरु के पास एक ब्राह्मण शिक्षा पा रहे कौनना प्राचीन कालको समय कथा वाराणसी शहर रे एक प्रख्यात गुरु के पास ब्राह्मण शिक्षा पा रहे प्रख्यात गुरु को पाखरे एक ब्राह्मण को बदले शिक्षा करबे गुरु बने करले विद्या शिक्षा करले विद्या शास्त्र की समाप्ति होने पर उसने गुरु के पास जाकर उसने घर जाने की आज्ञा मांगी जितने विद्या शास्त्र तकर विद्या शिक्षा समाप्त होबे पर से को करता गुरु को पाख को बोले पास जाकर अपने घर जाने की आज्ञा मांगी निज घर को जीवा पे आज्ञा मांगले उसे घर के बहुत याद आ रही थी उसे तकर मामले बहुत तमाम घर कथा मने पड़ला इसलिए वो घर जाने के लिए व्याकुल हो रहा था से कौन कले जे ताको घर को जीवा को से बहुत व्याकुल होइ पड़िले ताको घर कथा मन बोले बहुत दिन आसी गणी छि रहि रहलनी तेको ताको घर को जीवा बे ताको भारी मन हिला इसलिए वो घर जाने के लिए व्याकुल हो रहा था ताको घर को जीवा बे ताको मन भारी व्याकुल होइ रहिसला गुरु ने ब्राह्मण से कहा शिष्य हमें बहुत खुशी हो रही हुए कि तुमने विद्या पूरा कर ली है रे गुरु ब्राह्मण को कहले शिष्य मु बहुत हमें आमे को बहुत खुशी हो छु कोन ना तमे तमरो विद्या पूरा करी देलो तुम घर जा सकते हो तमे तमरो घर को जीवा पई गुरु को से आनवी कला त तंगरो उपदेश दे दिले कोन कले ना गुरु ब्राह्मण घर को जीवा को आगे दिले परंतु मेरे एक घर जा सकते है तू अब घर जा सकते तुम्हें ये घर को जाओ परंतु मेरे एक बात याद रखना किंतु परंतु माने किंतु रहा परंतु किंतु पुराने जमाने में कौन बने पिला माने पुराने पुराने जमाने रा अधिक पुराना कला था पुराना कला ना पुराने जमाने में बहुत पुराना कला ना प्राचीन समय जो था मतलब पुराना कला बहुत प्राचीन प्राचीन कला बहुत पुराना कला परंतु मेरे ये एक बात याद रखना मैंने मन में रखा याद रखना मैंने मन में रखियो याद रखना मन में रखियो तुम्हारे स्वभाव जरा तेज लगे है तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा प्रकृति बहुत प्रखर तेज माने प्रखर तेज माने प्रखर तुम्हारा स्वभाव जरा तेज है कुछ काम करने से पहले तुम जरा सोचना जल्दीबाजी ऐसा कोई कठोर काम मत करने की बाद में पश्चाताप करने के अलावा कुछ न होगा यह मेरी तुमको आखिर उपदेश है यह याद रखना गुरु कहले उपदेश मना कर कहले कहले आज्ञा दे कि उपदेश को मन रखा कहले उपदेश कौन ना कौन सी कम कर तुरंत नक चिंता करवा उचित नचे पचर पस्ते पड़ो जो कम करें प्रत्येक कम ना चिंता करवा ये कम करम से कम टी सफल हम जदि आम आज प्रथम गोटे गणित पढ़ा कि पढ़ा आग चिंता करवा ये आम आज दिखाई पढ़ा भल भाव पढ़ा जो न आस पचार चिंता नक सागे सागे बस पड़े गुरुत्व आस बस पाठ पढ़ाई तेरे कौन तुम मन अस्थिर हो तेरे जो कम करवा पूर्व आग कौन कर भावे दरकार भाव चिंता नक आम कम भल सफल हो पार ना तेणुकोरी आम कौन कर पचर पशेवा को पड़ो आम आग तक कौन कर सांगे जी गोटे पिला बाड़े दवा बाड़े दे तार कौन हम भविष्य में कौन भल हम कद हम से चिंता करा जो चिंता करा पूरा बाड़े कौन हम तेल आम कौन कर बाड़े मरजी देह खराब मुंड फाड़ यहाँ चिंता करा जो चिंता न करेंगे हटात बाड़े कौन कर पचरे पश्चात कौन असुविधा सुविधा गले आम पचे कौन करना भाविया पड़ो ऐसे कोई कठोर गुरु के ब्राह्मण का शिष्य में बहुत खुशी पश्चात करने अलवा कुछ नहीं होगा
यह मेरी तुमको आखिर उपदेश है याद रखना एटा कौन मु तमें कौन कर ना मु तुमको कौन से काम तुरंत न करा पूर्व कौन कर भावि आग नचे पचरे पस्तवा पड़ो यही मेरी तुमको आखिर उपदेश है मु तुमको ये भल उपदेश याद रखना ये गुड़ कौन कर ना मन रख एटा मु तुमको भल उपदेश तमें कौन कर ना यहाँ को मन रखिथ ब्राह्मण गुरु से आज्ञा नहीं कर काशीनगर पहुंचा ब्राह्मण गुरु को आज्ञा नहीं कहना काशीनगर रे पहुंचला उसके बाद उसका विवाह हुआ तार कौन गला ना तार विवाह यह तार उसके बाद यह तार कौन विवाह हो गला पर अपने परिवार का पोषण के लिए उसे कोई भी रास्ता न दिखाई दिया कौन तर बह जन कौन कुटुंब पड़ा से कमी पोषव पर पालन पोषण करस्या ढाला गला कौन कमी पोषव कम रोजगार कर समस्या तभी बहुत उपजिला उसे कोई भी रास्ता दिखाई दिया पोषण के लिए उसे कोई रास्ता न दिखाई दिया भरण पोषण करने कौन रास्ता देखाला ना इसलिए वह धनुष मान के लिए शिकारी का काम करने लिए कौन कला ना धनुष बाण से कहे शिकार करा भी कम कला शेष से कौन शिकार कम कला धनुष बाण कह शिकारी पशु पक्षी शिकार करने चला से कौन शिकारी कम बाछी नेला शिकारी के काम करने लगा शिकारी कम कला जंतु और पक्षी को शिकार करना उनका मांस बेच कर पैसा लाना उसने उसका रोज का काम बन गया उसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता देख पिला मैंने से कौन कला निजे कौन कला तो कमी कौन कर पर पोषण करने शिकार कम कला प्रतिदिन पशुपक्षी मारिकी से मांस बिकी पर प्रतिपोषण कर लगला देख मांस बेच कर मैंने बिक्री कर उसका मांस बेच कर उसे लागे बेच कर पैसा लेना उसका रोज का काम बन गया कौन पशुपक्षी जीवन को मारिकी कौन कला बिक्री कर पैसा आने तार कौन कला ना रोज का काम बन गया रोज मान प्रतिदिन कौन ना पशुपक्षी मान को मारिक मारिकी कौन कर प्रतिदिन पशुपक्षी मान को मारिक मांस बिक्री कर पैसा आने प्रतिदिन कम हो उसे ओह अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे ताकि कौन कला यही कला निजर पर पालन पोषण कला एक दिन ओह जंगल से खूब घुमा करतु घुमा करतु उसके कोई एक शिकारी नजर न आता गोटे दिन कौन कला ग्राम सबुदिन जाए शिकार कर शिकार कर शिकार जो जीवंत शिकार कर बिक्री कर पैसा आने दिने जंगल घुमा मैंने बुलवा एक दिन वह जंगल में खूब घुमा परंतु उसके कोई एक भी शिकार नजर न था घुमा मैंने बुलवा देख घुमा बहुत जंगल ना बुलला एक दिन वह जंगल के घुमा परंतु उसके कोई एक भी शिकार नजर न था गोटे दिन कौन कला दिन जंगल बहुत सब बुलला पर कौन शिकार मिलला ना ना जब वह निराश होकर दुख से वापिस घर लौटा रहा था तो उसके नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ी जिते बड़ा शिकार शिकार निराश हो घर को फिर समय से देखला गच पर कोरण मध्य गोटे लौट रहा था उसके नजर के पेड़ पर ऊपर पड़ी जा नजर पड़ गला ना गच पड़ा पेड़ के घसले पेड़ के खोखले एक बंदर अपनी अंधी माँ की खाना खिला रहा था पास में उसका छोटा भाई भी बैठा हुआ था दोनों भाइयों ने शिकार को देखा देखो शिकारी कौन निराश हो घर को फिर सर तर गए कंकड़ गच कोर तर नजर आसला गोटे माकड़ कौन तर अंधुणी माँ को खुआ देख पी मैंने बंदर कौन अंधी माँ अंधी मान अंधु जो अंध अंधी 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 मान अंध अंधुणी माँ अंध अंधर अंधी अंधी माँ खाना खिला अंधी माँ को कौन कर खाइबा खुआ
कुआउछु खाना खिलार बाता पास में उसका छोटा भाई भी बैठा होता ता पाखरे कोन ता छोटो भाई टे मथि बसी छी दोनों भाई ने शिकार को देखा दी भाई जब कॉपरस रे बसी भी देखो मतलब शिकार की से शिकार लोटी जाउ छी ते दी जन जक बसी भी ताको देखु थाती दोनों भाइयों में शिकारी को देखा तो पेड़ को और देख और शिकारी मन में मन खुश हो रहा था तो पेड़ को गछ ऊपर देख दे कि कौन कला शिकारी मन ता मन का कौन देर शिकार तो पाई नहीं भरत थला तो देख के तक मन भारी खुशी हो गेला और घर खाली हाथ जाने की बजाय इस मार कर घर ले जाने में किया बुराई है यह यही सोच करो उसमें माँ के ऊपर निशान बनाया देखो से कौन कला कला जदि मु खाली हाथ रे घर को फेरुची ताले ताकू मारी के नेले मोर असुविधा कोन हो मु को करबी ताकू मारी के एक दिन घर को खाली हाथ रे फेरबा बेटा ताकू मारी करी नबा कथा से चिंता कला ओह सोच करो उसके माँ के ऊपर निशान 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 बनाया से कहले माँ ऊपर लक्ष्य कला निशान माने ना कहले शिकारी भाई मोर अंध मा ताकू मार नाही ओहो बहुत बुढ़ी है से बहुत बुढ़ी हो गई छी उसके बदले मुझे मार दो ता बदले मते मार से अंध आ बुढ़ी है गेलनी ताकू मार नाही ता बदले कहला ना मते मार ओ पत्थर के दिल वाला शिकार उनकी बात मान गया ओ पत्थर के दिल वाला शिकार शिकारी उसके बात मान ले देखा अवसा हृदय को ना पत्थर मिल जाएला किंतु शिकारी उसके बात मान गया शिकारी ता कथा को मान ला ठीक है कहते हुए उसने बड़े भाई का को मार दिया तले ठीक है कह तले मु को करे त बड़ा भाई की मार देबी परंतु लालच खोर शिकारी ने अपने बात के पालन ने किया लालच माने लोभी लेक इमे नदी लालच परंतु लालच की खोर शिकारी ने अपने बात में पालन वह पत्थर में दिल वाला शिकारी उसके बात मान गया तले पत्थर हृदय थी शिकारी को कला ता कथा को मानिला कहते हैं उसने बड़े भाई के मार दिया ता कहला कथा तो रो कौन करी ना बड़ा भाई की कौन पोखले पोखला के छी ओ ओ पोखला ने कोरो रे परंतु लालच खोर शिकारी अपने बात का पालन किया बड़े भाई को मारते ही अपने फिर उसके माँ को मारने के लिए निशान लगाया यह देखकर छोटो भाई पेड़ से नीचे आया और शिकारी के कहा शिकारी भाई मेरे अंधी माँ मत मारो शिकारी में मुंह मोड़ कर कहा मुझे बस मेरा शिकार चाहिए ये हट जा सामने से नहीं तो तुझे मार दूंगा तले को कला कला सिवे शिकारी से कहले बोले मो मां मुझे अंधुनी ताकू मारो नहीं शिकारी से कहले ना गुहारी करा तले से ही निष्ठुर शिकारी को ता मां को छाड़ दे कहले कौन ना मु तो बड़ा भाई की मारी उसके बाद शिकारी दोनों भाई मुझे वैसे शिकार चाहिए उसे शिकारी के भाई और मेरा मारा मेरे अंधी माँ को मौत मारा मो अंध माँ को मारा नहीं शिकारी में मुझे मौत तो कर दो तुझे वो मेरा शिकार चाहे तू एक तरह मौत को पड़े जाए मौत कौन करे मोर शिकार दरकार हट जा सामने नहीं तो तुझे मार दूंगा जदि पछे जा जदि तू तो मो सामने को तो मारी देबू
छोटे बंदर विनती पूर्वक कहा शिकारी भाई मेरे अधे माँ को अपने आंख में सामने मरते हुए कि नहीं देखा जो छोट बंदर छोट माँ को कौन कला इमित अनुरोध कहीं कहला शिव कहा शिकारी भाई मेरे अंधी माँ को शिकारी भाई मो अंध माँ को अपने आंख में निज आखि पाखे कौन कले मारे नही देखा मु देखिपारि मो अंध माँ सी अंध माँ टी तुम दी मत मो माँ टी कौन कर मो आखि आगे मारिदेबू ताले मु कौन करना यहाँ सही पारि सही पारि ना ताले बदले इसलिए उसके बदले मुझे मार दो ता बदले कौन करो ना मत मारी दियो किंतु माँ को मारा नहीं उसने बात मान ले और उसने निर्दयी होकर छोट भाई से मार दिया चलो कौन कला से छोट भाई की मारा कहला तुम मो पा पाखे जा मुझे मारे ना तुम मो माँ को मारना मोर बुढ़ी माँ टे तुम मारना अंधा बुढ़ी माँ मारना मुझे मत मार दिए पे आम ये आगे बुझे पे विषय पढ़ी रख आर अच्छी पढ़ा धन्यवाद पे।